ये वीडियोस जो है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आप DRDO के ले लीजिए, चाहे आप NPCR के लीजिए, बाक लीजिए, इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो प्योर वाटर है वो फ्रीज करता है किस टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फ़ारेनहाइट में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो अगर डिग्री सेल्सियस की बात किया तो 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो फ्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फ़ारेनहाइट में दिया गया है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट के टर्म में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अब थोड़ा सा ये भी जान लें कि अगर केल्विन ऑप्शन दे देता तो कितना हो जाता। तो केल्विन अगर ऑप्शन दे देता आपको तो ये जो वैल्यू है आपकी वो 273.15 केल्विन हो जाता। मतलब ये है कि जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो इक्विवेलेंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, और ये इक्विवेलेंट होता है 273.15 केल्विन की। तो ये तीन चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जेरिक कंडीशन रेफर्स टू, जेरिक स्थिति किसको संदर्भित करता है। लो टेम्परेचर को, लो ह्यूमिडिटी को, हाई इवेपोरेशन को, एक्सट्रीम टेम्परेचर एट हाई वन एज 138 केल्विन। सो जो जेरिक कंडीशन है वो लो ह्यूमिडिटी को जो है रेफर करता है। थोड़ा सा हम और भी जान लेते हैं जेरिक कंडीशन के बारे में। तो जेरिक कंडीशन मैंने आपको पहले बता दिया कि लो ह्यूमिडिटी को ये रेफर करता है, और जेरिक इन्वायरमेंट इज़ प्लेस्ड वेयर वाटर इज़ एट माइगर, मतलब वाटर जो है थोड़ा सा काफ़ी कम अमाउंट में होता है, जैसे वाटर वेपर जो है प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन में जो लो ह्यूमिडिटी होती है, तो उसको जो है जेरिक कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि एज पर एज WHO का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि जो WHO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। कभी कभी ये भी पूछता है कि जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है वो बर्न है। कभी कभी करेंसी भी पूछ देता है, तो फ्रैंक जो है इसकी करेंसी है। तो ये तीन चार चीज़ जो है मैंने आपको एडिशनल बता दिया इस क्वेश्चन से। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि WHO के अनुसार पर जो सेफ नॉइज लेवल होता है सिटी का कितना होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नॉइज का जो है यूनिट पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा जो नॉइज की यूनिट है वो डेसिबल होती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 45 डेसिबल जो है रखा गया है WHO के द्वारा जो सेफ नॉइज लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर, जल सागर के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोफोन यूज होता है इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है वाटर के अंदर साउंड या फिर जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, अकर डायमंड साइंस ब्रिलियंटली ड्यू टू, जो तराशा गया हीरा है वो अत्यधिक चमकता है किसके कारण। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा जो है डायमंड साइन करता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो होता क्या है। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होती है, लाइट रेज जो है डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम जाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से होता है। तो क्या करती है, जो लाइट रेज जो ग्रेटर देन जब क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो जो लाइट रे है वो बेंड बैक कर जाती है डेंसर मीडियम में, जिसके कारण जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर होता है। तो उसकी वजह से जो है डायमंड साइन करता है। ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि द एनर्जी ऑफ विंड इज, मतलब इसमें यह पूछा हुआ कि जो विंड एनर्जी होती है वो बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ होती है या फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है या फिर पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ एनर्जी होती है। तो ध्यान रखिए जो विंड एनर्जी होती है वो आपका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जो विंड एनर्जी है वो बेसिकली क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करती है। तो मूविंग जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है। सो ये जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये यूज़ किया जाता है इसको एज ए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए विंड एनर्जी को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज अ TV रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ TV सेट, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से TV रिमोट कंट्रोल यूनिट को एक TV सेट को संचालित करता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, थोड़ा ऑप्शन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन जो है लाइट वेव्स है, साउंड वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है।
तो अगर यहाँ पे इंफ्रारेड देता तो ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड वेव जो है इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे इंफ्रारेड दिया नहीं गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी रेडियो वेव हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जनरली जो टीवी रिमोट्स हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स यूज़ की जाती है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि रेडियो वेव भी यूज़ की जाती है। और जो इंफ्रारेड वेव है वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अगर ऑप्शन पे आपका आंसर डिपेंड करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक जीके से है, जिसमें पूछा हुआ जो नारगोल पोर्ट है वो कहाँ पे, मतलब इंडिया के किस सिटी पे या फिर किस स्टेट में जो है ये लोकेट करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में जो है नारगोल पोर्ट है, और ये हाल में ही काफ़ी चर्चित रहा है ये पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि इन कोल्ड कंट्री अल्कोहल इज प्रीफर्ड टू एज मर्करी एज ए थर्मामेट्रिक लिक्विड बिकॉज, मतलब जो ठंड देश हैं उसमें थर्मामेट्रिक तरल के रूप में अल्कोहल को पारा से अधिक वरीयता दी जाती है। क्योंकि जो अल्कोहल है उसका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, या फिर अल्कोहल जो है बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, या फिर अल्कोहल जो है चीपर देन मर्करी है, या फिर द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन डेट ऑफ मर्करी। सो यहाँ पे जो अल्कोहल है बेसिकली क्या होता है कि वो अल्कोहल जो है बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए जो है अल्कोहल यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू मर्करी इन मैनी कोल्ड कंट्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है क्रैकिंग इज ए प्रोसेस विच बिलोंग्स टू, क्रैकिंग एक प्रोसेस होता है तो किसके मैन्युफैक्चर में ये प्रोसेस जो है यूज़ होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सोप मैन्युफैक्चर में क्रैकिंग यूज होता है, या फिर प्रोसेस पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, या कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में। ध्यान रखेंगे जो क्रैकिंग की प्रोसेस है वो आपका पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार्क में रिपीट किया था पिछले साल, जो स्टिपिंग ट्रेनी का अभी फॉर्म आया है उसके लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। थोड़ा सा हम क्रैकिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो जो क्रैकिंग प्रोसेस है बेसिकली वो बिलोंग करता है पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और इसमें जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं तो उसकी वजह से जो है ब्रेकडाउन वगैरह होता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में सच एज हाइड्रोकार्बन से, तो वो जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को जो है क्रैकिंग प्रोसेस कहा जाता है, जो जनरली जो है पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा हुआ है व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाय ए एंगल थीटा, ध्यान रखिएगा ये जीरो जो है यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जब कोई व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाय ए एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेटेड बाय, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी कितने एंगल से रोटेट किए जाए होंगी। सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर 30 डिग्री मान लीजिए कोई मिरर है, अगर 30 डिग्री पे रोटेट किया गया है तो जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे है वो जो है 60 डिग्री पे जो है रोटेट होंगी। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब एंगल जो है दुगना, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दुगना उसका एंगल बढ़ जाएगा। हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2018 में जो अभी हुई थी, कौन सी कंट्री जो है इस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2018 का विनर रही है। सो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2018 का जो लोकेशन था, मतलब वेन्यू था, वो नीदरलैंड था। ध्यान रखिएगा नीदरलैंड जो है इसका वेन्यू था। और दूसरी बात ये कि 2019 में जो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, अब उसका नाम है हॉकी प्रो लीग, ठीक है। ध्यान रखिए हॉकी प्रो लीग नाम रख दिया गया है 2019 में। तो ये दो क्वेश्चन जो है इससे इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैंपियन की 2018 की हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की। सो इसका जो चैंपियन है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है इसका चैंपियन है, आंसर डी, जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो है कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ये मैंने आपको जो बताया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2018 का जीता है जो ब्रेडा नीदरलैंड में हुआ था, और ये जो 2018 मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है ये 37th है और लास्ट एडिशन है हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि हॉकी प्रो लीग के नाम से 2019 में ये जाना जाएगा, मतलब इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू,
वायुमंडल में प्रकाश का विसरण करने किसके कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से, हीलियम की वजह से, या फिर वाटर वेपर की वजह से। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल की वजह से जो है डिफ्यूजन होता है लाइट के एटमॉस्फेयर में। सो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, मोर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अकर इन डैश पार्ट ऑफ लीफ। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किस लीफ के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लोअर पार्ट ऑफ लीफ, मिडिल पार्ट ऑफ लीफ, अपर पार्ट ऑफ लीफ, या नन ऑफ एवर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लोअर पार्ट ऑफ लीफ में जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अकर होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, उसकी वजह से जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है लोअर पार्ट के लीव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि अ बॉडी फ्लोट एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अ बॉडी फ्लोट एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इफ़ टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा? कि बॉडी विल सिंक, नो चेंज, लेस पार्ट ऑफ बॉडी विल सबमर्ज, द बॉडी विल फ्लोट फ्रीली। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बॉडी विल सिंक, बॉडी जो है डूब जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा इसलिए होता है कि जब बॉडी को हीट किया जाता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, और डेंसिटी जब डिक्रीज होती है वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा लोएस्ट होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो सिंक हो जाएगी। अब बात करते हैं जनरल जनरल अवेयरनेस का, यानी कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको वर्ल्ड वेटेस्ट या फिर वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साउथ अमेरिका को जो है वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट है। ध्यान रखिएगा 7 कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में। और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हिच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, ध्यान रखिएगा उसका जो आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका हो जाएगा, और इस वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट का जो है आंसर है वो साउथ अमेरिका है। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको स्क्रीन में बाकी वीडियोस जो है दिख रहे होंगे, आप वीडियो को क्लिक करके बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लें। सारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और यही क्वेश्चन पूछते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से आना है सारे एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।